मैं रूप सिंह, लेक्चरर मैथ्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झुंझुनू। ये लेक्चर में आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स अर्थात प्रतिलोम मैट्रिक्स। अब इस प्रतिलोम मैट्रिक्स की याद करने के लिए एक सूत्र अपने पास है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और यहाँ जो एडजॉइंट ए है ये कोफैक्टर और उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर जो मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं उसकी जितनी भी मैट्रिक्स बनती हैं उसकी वैल्यू होती है, और एक टी दे रहेगा, टी मीन्स ट्रांसपोज मतलब प्रवर्ती मैट्रिक्स। अब अपने एक एग्जांपल लेते हैं निम्न मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स याद कीजिए। ए बराबर दे रखा 1, 0, -1, 3, 4, 5, 0, -6, -7। अब इसका प्रतिलोम मैट्रिक्स याद करना है। अब प्रतिलोम मैट्रिक्स याद करने जैसे ऊपर वाला सूत्र है उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात में डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो 1, 1, 0, -1, 3, 4, 5, 0, -6, 7, -7। इसका निकालते हैं तो पहले सबसे पहले 1 ले लेंगे, फिर -28 + 30 हो जाएगा, फिर 0 ले लेंगे, 21 - 21 + 0, फिर -1 ले लेंगे तो -1, 18 + 0। तो इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 20, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात अपने ए इनवर्स याद किया जा सकता है। अब इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर मतलब जितने इसके अंदर इस एलिमेंट्स हैं उनके उतने ही कोफैक्टर निकलेंगे। जिसके अंदर टोटल 9 है तो 9 उसके कोफैक्टर निकलेंगे, जैसे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब a11 निकालेंगे सबसे पहले, तो वही इसके इससे कंपेयर करके उसको जो उपसारणी बन रही उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा -28 + 30 = 2। और a12 की आ जाएगा माइनस, पहले लेंगे प्लस माइनस चलता है, -21 + 0, तो ये आ जाएगा +21। a13 ये आ जाएगा -18 + 0, अर्थात -18। फिर निकालेंगे a21 मीन्स मतलब वही इसकी उपसारणी जो की वैल्यू होगी वो होगा a21 की होगी माइनस, पहले लेंगे क्योंकि ओड इवन चलता है, 0 - 6 अर्थात 6। a22 - 7 + 0 - 7। a23 माइनस, पहले लेंगे फिर -6 + 0 = 6। फिर a31 वाले लेंगे, a31 0 + 4 = 4। a32 - 5 + 3 तो -8 हो गए। फिर a33 4 + 0 = 4 हो गए। तो ये अपने पास जो निकाले हैं ये कोफैक्टर हैं। एडजॉइंट इज इक्वल टू कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज, तो बराबर कोफैक्टर जो निकाले जो अपने ये हैं 2, 21 - 18, 6 - 7, 6, 4 - 8 और 4। पर टी लिखा, टी मीन्स ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो इसे आ जाएगा पास 2, 6, 4, 21 - 7 - 8 - 18, 6 और 4। अब प्रतिलोम मैट्रिक्स ए इनवर्स का सूत्र होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट 20, और इसके जो मैट्रिक्स जो अपने ऊपर जो निगमन मान होगा 2, 6, 4, 21 - 7 - 8 - 18 और 6, 4, ये अपना आंसर होगा। तो आज का टॉपिक इतने बताएंगे, जितने भी अपने इस संबंधी जो भी संख्या है, खाली संख्या चेंज होती है, उनकी वैल्यू अपने इसकी सहायता से निकाला जाता है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाते हैं इस टाइप के। ओके।